आप कभी भी डिप्रेस होते हो, डिप्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेट होते हो, नेत्रहाट की वादियों में आकर के रहो यार, अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे। अभी मैं हूँ नेत्रहाट के सनराइज होटल में, आज यहाँ पे टेंट हाउस में स्टे करना है। मोनू भाई काफी हेल्पफुल है, लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत हेल्प किया था। ये नेत्रहाट का मार्केट है, यूजुअली ये बहुत खाली होता है। मेन मार्केट तब लगता है जब साप्ताहिक मार्केट होता है बुधवार को। आज रात मैं ठहरा हूँ होटल सनराइज के टेंट हाउस में। यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजिंग है, काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मजा आ रहा है। रात में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा जंगल है, जो लाइटिंग है बहुत डीम है और बहुत ही बढ़िया है। रोहित भाई क्या जबरदस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे। बिल्कुल आज लास्ट डे है, मैं आ गया हूँ होटल सनराइज के टेंट में। आइए, मुखिया जी हमारे कुटिया में पधारिए। बड़ा उत्तम व्यवस्था है, अच्छा लग रहा है, सपोर्ट मिला यहाँ पे नेत्रहाट में, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं हुई। आओ यार घूमो फिरो, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही सेफ जगह है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जो टेंट हाउस होता है क्या वो लाइक कपल फ्रेंडली है, क्या वो सेफ है, टेंट हाउस कैसा होता है और क्या वो सेफ है या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये मेरा टेंट है जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ आज रात को, और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल ही सेफ है। अभी आप देखो, आप सुबह उठोगे तो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए चाय वगैरह पीना है तो यहाँ पे आपके लिए टेबल और चेयर भी है यहाँ पे। अगर ये जंगल में है तो जंगल में जानवरों वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चारों साइड से बाउंड्री की हुई और टोटली गेटेड है, ये लॉक हो जाता है तो किसी भी तरह के जानवर से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी पर्दा यहाँ से लॉक कर सकते हैं। जो आपका बेडरूम होता है उस पे यहाँ पे आपको लॉक भी मिल जाता है। लॉक खोलने के बाद आप अंदर आएंगे, क्योंकि टेंट हाउस पूरा पैक होता है तो आपको यहाँ पे चार विंडो मिल जाएंगे जिससे आपको हवा अच्छी मिलेगी। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप सारे विंडोज को क्लोज भी कर सकते हैं, हम तो डिम लाइट कर देंगे और सो जाएंगे भाई। बात करें बेडिंग की तो यहाँ पे डबल बेड होता है जो कि दो लोगों के लिए एनफ है। आप अपना कुछ कीमती सामान यहाँ पे रख सकते हैं, एक फैन यहाँ पे लगती है, टीवी है, अंदर से लगेगा ही नहीं कि आप टेंट के अंदर हैं। तो लोगों को लगता है अगर टेंट पर रह रहे तो बाथरूम कहाँ जाएंगे, नहाने कहाँ जाएंगे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है। बाथरूम को भी यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ पे ताले भी लगा सकते हो, यहाँ पे गीजर भी है, वॉशरूम भी जो है वो काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है, 1500 रुपये का है। इस टेंट में तीन लोग तक बड़े आराम से रह सकते हैं और तीन लोगों में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। अभी लास्ट डे है नेत्रहाट में, सभी को थैंक यू सो मच, हमारे रवि भाई, आयुन भाई, क्या जी एंड राजू भाई, सब लोग इस मीटिंग के पार्ट थे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। राजनीति का भाषा चुरा रहे हैं, ठीक है फिर मिलेंगे। हाँ Possibly we are trying to catch some viewpoint in the morning. Trek करना है। खुली जितने भी मैंने tips बताए वो helpful होंगे। मिलता हूँ आपसे किसी अगले videos में, तब तक के लिए आपको happy staying। आइए नेत्रहाट घूमिए, कोई भी problem नहीं है, या तो couple हो, या तो friends हो, या फिर family हो। जय जोहार। और भाई साहब दूसरी video लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।